उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी जीत के बाद दिल्ली में हुई बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को चेतावनी के साथ ही विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के बड़बोले नेताओं पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मुंह के लालों का भी शुक्रिया जो चुप रहे। मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि वह पार्टी की जीत से अति उत्साह में न आए और विनम्र रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह न तो बैठेंगे और न ही किसी को बैठने देंगे। बीजेपी सांसदों को मोदी का यह बेहद कड़ा संदेश माना जा रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में मोदी ने बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए एक बार फिर फलदार पेड़ की तरह विनम्र रहने की सलाह दी। मोदी ने इसके साथ ही सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सदस्यों से मोबाइल एवं शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए सरकारी कामों को प्रचारित करने और बड़े पैमाने पर युवाओं तक पहुंचने को कहा। संसदीय दल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर विधानसभा चुनाव की जीत के लिए सभी प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया।